मुजफ्फरनगर के जानसठ में श्री कृष्ण ठाकुर द्वारा राधा कृष्ण मंदिर स्थित है और इस मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पहले की गई थी। ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी हर साल विशाल झांकियों का आयोजन किया जाता है। मुजफ्फरनगर की जानसठ में श्री ठाकुर द्वारा राधा कृष्ण मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पहले स्वर्गीय सेठ लाला ब्रजलाल सिंगल ने कराई थी। यह मंदिर जो है पौराणिक भव्य मंदिर है और ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पौराणिक मान्यता है कि सभी की मनोकामना जो भक्त आते हैं, भक्तजन आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं जानसठ निवासी सोनू कंसल, जो काफ़ी समय से यहाँ, जन्म से ही यहाँ रह रहा हूँ, अभी तक मेरी सभी भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर परिसर स्थित धर्मशाला में हर साल विशाल झांकियों का आयोजन भी किया जाता है। श्री ठाकुर द्वारा राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा के भव्य दर्शन कर मनोकामना मांगते हैं। इसी के साथ मंदिर आने वाले श्रद्धालु माँ सरस्वती, हनुमान जी और माँ दुर्गा के साथ साथ मंदिर में स्थापित पवित्र शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करते हैं। हमारा नाम सुरेश कुमार जी है और हम यहाँ प्रतिदिन कई सालों से आ रहे हैं और यहाँ भी जो है बहुत अच्छी मंदिर की अपनी सुविधाएं है और यहाँ पे श्री बांके बिहारी लाल जी का बहुत सुंदर मंदिर है, जिनकी कृपा से हम वृंदावन तक भी हो आए और इससे अच्छा हमको कुछ नजर नहीं आया। इस मंदिर में हर दिन कई श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में कुल देवता और पितरों के स्थान भी बनाए हुए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाते हैं हनुमान जी का पंचमुखी ऐतिहासिक मंदिर।